मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो एक के ऊपर गड़बड़ है। मैं भी दब गई थी, सूट वूट पहरे हुआ है, कोई बाबा जी कोई सिस्टर कर चाहिए, इनको औरत को दिखाता है और रात को सुंडे सी से काम करता हूँ। अब बताओ मैं इनको क्यों नहीं मानती। अगर कोई मेरे फांसी लगावे ना, परमात्मा नाम मत बोले, मैं फांसी छड़ने के लिए तैयार हूँ। परमात्मा धरे दाम पे आ चुके हैं और बोइया ये समझो, बोइया सिस्टर कर चाहिए। अगर इनकी एक उंगली हो जाए ना, ये पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और कल भी ऐसा ही हुआ है, उनने कही थी मतलब एक हाथ में बोली थी के मतलब यहाँ विनाश होने वाला है, भीड़ हो रही है। भैया पहले आप आ गए, बहना पहले आप आ गए, लेकिन भीड़ इतनी थी, इतने जाम था और मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी का साजिश था। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है। गिरते थे पर ऐसे कभी नहीं मरते, परमात्मा निकल के चले गए। और पीछे फिर इधर नीचा सड़क ऊंची थी, इतने जाम। जब निकले सामने का खेत, ऐसे निकले तो ऐसे बजे डोड़ करे नियो, तो एक के ऊपर गड़बड़। आप गई थी कि सुनी? मैं गई थी, मैं सुनी नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं भी दब गई थी, मैं भी एक पर्दीदार हूँ, मैंने भी बहुत बचाए थे, लेकिन मैंने बचाए थे बचाने के चक्कर में मैं भी किसी गई वहाँ पे। फिर किसी ने मैंने परमात्मा को झुक के नहीं है, परमात्मा मेरी बस की बात नहीं है, अब आप संभालो। मैं तो थोड़ा आगे बढ़ गई, मैं तो अब बाहर निकल गई। मेरे पति भी गए थे, उन्हें भी निकाल लेते, लेकिन वो भी फंस गए। पहले मंदिर में तो मैं कुछ नहीं मानता था, तो मेरी सास जाती, सास बहुत मानती थी, जब यही मेरा जवान थे, पुलिस की ड्यूटी करते थे और यही थे पहले, ठीक है। तो मेरी सास कहती बेटा गुड़िया माँ चल जाकर परमात्मा है। मैं कहती अपनी सासू माता कहती तुम तो पागल हो गई हो, बाबा के चक्कर में पड़ गई हो, मेहनत करो पैसा आएगा ऊपर वाला ये किए। मैं ये कहती थी, अब मैं मेरा मन नहीं माना, मैं गई ना अजमाने, मैं कही मैं भी तो देख के आऊ कैसा भोले बाबा है। जब कहते जय भोले बाबा, गई मैं माँ, गई तो मेरा मन नहीं लगा माँ। मैं कह रही ऐसा बाबा है, सूट वूट पहरे हुआ है, कोई बाबा जे ये सब डॉम ही है। ये बहुत गंदे बेचारे मेरे मतलब थे कि रात दिन को औरत को दिखाता है और रात को सुंडे सीधे काम करता हुआ, ये बेचारे मेरे। एक घंटा रही, एक घंटा में वापस आ गई। मैं कह रही जब जानू तू मुझे अपने दर पर बुला ले। इनके पास गए, मैं घर ही बाबा मेरा पति दारू पे तो 5-5 बेटी है, कैसे गुजारा हुआ मेरा। बोले बेटा मैं दरे दाम तक कल युग में आ चुका हूँ और दुखियों के लिए आया हूँ, चिंता मत करना। अब देखो आज मेरा पति ना तो दारू पीता और कहाँ मैं दूसरे के घरों में काम करती थी। आज मैंने सोचा मेरे राम के राजे इनके आने जाने से, आज मेरी बच्ची BSc पढ़ी हुई है, BEd करी हुई है, दो दो इनकी कृपा से मकान बन गए, अच्छे खाते मेरा घर चल रहा है। अब बताओ इनको हम क्यों नहीं माने। और देखो और चमका, देखो मेरी अपन नस की नस फट गई थी। सब डॉक्टर ने कही कि ये नहीं बची, जहर फैलेगा पूरी बॉडी में। मैं डरती नहीं हूँ, परमात्मा के बारे में को कहे ना कि तुझे फांसी लग जाएगी मत बोले, तो भी मैं बोलूंगी इनके लिए, क्योंकि इनने मुझे सब कुछ दिया है, मेरी जिंदगी इनने ही बचाई है, क्योंकि पूरी बॉडी में जहर था और इनने ही मेरी जिंदगी छाती में हुआ था मेरा। दलीप ने उन्हें कही अजीब इंसान देखा है, बाबा ने कही कि जब भी तुम भोले बाबा की पूजा करते हो, भोले बाबा ने तुम्हारी पत्नी की जिंदगी दी, पूरी बॉडी में जहर, जिसकी नाक फट जाए कोई बच सकता है, और मैं बच गई। अब बताओ मैं इनको क्यों नहीं मानू। परमात्मा का कोई कसूर नहीं, ये तो आप सही है, तुम्हें यहाँ पे सब जने कह रहे हैं और तुम भाया दौड़ी करो, ये गिर जाए इसको उठाने के चक्कर में दूसरा ही बज के आ जाए, तो उनका कसूर नहीं, कोई परमात्मा का कसूर नहीं परमात्मा का। और आप कितने भी सुनो ये भी बात है, अगर कोई मैं फांसी लगावे ना, परमात्मा नाम मत बोले, मैं फांसी छड़ने के लिए तैयार हूँ।